तो दोस्तों डेविड मिलर जो कि साउथ अफ्रीका टीम के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, उनकी बेटी का हो चुका है निधन। और वो किस वजह से हुआ है और वो बेटी उनकी कौन सी बेटी थी, उसके बारे में पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के आखिर तक बने रहे। डेविड मिलर ने एक वीडियो अपलोड की है इंस्टाग्राम पे और साथ ही साथ अपनी पोस्ट में डाली है कि उनकी बेटी का निधन हो चुका है और उनकी बेटी का निधन कैंसर की वजह से हुआ है, जो कि उनकी बेटी पिछले 5 साल से जूझ रही थी कैंसर से और बचपन से ही वो परेशान थी हेल्थ को लेकर। और उसके पिता जो उसके साथ नहीं रह पाते थे ज्यादा समय, तो वो इस बात को लेकर भी नाराज रहती थी कि उसके पिता उसके साथ क्यों नहीं है। तो ये सारी बातें उन्होंने अपने इंस्टा आईडी पे एक वीडियो में बताई है। और साथ ही साथ डेविड विलर ने दुख जताते हुए ये भी कहा है कि वो काफी अच्छी बच्ची थी और अगले जन्म में वो एक स्वस्थ बच्चे के रूप में जन्म ले और जो कि अगला जन्म उसका काफी अच्छा होने वाला है, ये बात उनको पता है। तो इस बात को लेकर उन्होंने काफी अच्छी वीडियो बनाई है और वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है। तो ये एक पिता के तौर पर उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा और अपने आप को दिलासा भी दिया है। तो आपको क्या लगता है, डेविड मिलर इस बड़े से दुविधा से निकल पाएंगे क्या, T20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस खबर को लेकर आगे कोई भी न्यूज आती है तो वो आएगी सिर्फ हमारे चैनल पे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और वो सारी न्यूज पाने के लिए नीचे जो लाल कलर का बटन है उसको कर लें टच और हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, कीप प्लेइंग, प्ले हार्ड।